विधानसभा चुनाव की मतपत्रों की मतगणना 3 दिसंबर को की जाएगी। मतगणना के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। मंगलवार को राजनांदगांव जिला पंचायत के सभा कक्ष में मतगणना दल को प्रशिक्षण दिया गया है। इस दौरान बताया गया कि मतगणना का कार्य रिटर्निंग अधिकारी के निर्देश और निगरानी में किया जाएगा। मतगणना के पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती और ईवीएम में पड़े वोटों की गिनती बारीकी से की जाएगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी खेमलाल वर्मा ने बताया कि मतगणना अधिकारियों को 3 पोलिंग में प्रशिक्षण दिया गया। 2 दिसंबर को मतगणना स्थल पर अधिकारियों को डेमो दिया जाएगा। बता दें कि मतगणना राजनांदगांव शहर के कृषि उपज मंडी स्थित स्टेट वेयर हाउसिंग परिसर में की जाएगी। मतगणना के संबंध में प्रशिक्षण हमारा चल रहा है। इससे पहले दिनांक 25 तारीख को, इस महीने की 25 तारीख को हमारे स्टेट लेवल के मास्टर ट्रेनर ने हमारे जिले स्तर के जो कवर्धा, खैरागढ़, गंडी, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी और राजनांदगांव जिले के सभी जो काउंटिंग के लिए प्रमुख अधिकारी हैं उनको प्रशिक्षण दिया गया था। उसके बाद आज हमने 28 तारीख को जिला पंचायत में 3 शिफ्ट में गणना पर्यवेक्षक, गणना सहायक और माइक्रो ऑब्जर्वर का ट्रेनिंग रखा हुआ है। इसके अलावा जो ट्रेनिंग है, डेमोन्स्ट्रेशन ट्रेनिंग 2 तारीख को सीधे काउंटिंग स्थल पर ही होगी और सभी अधिकारी कर्मचारियों को गणना की प्रक्रिया के संबंध में पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये प्रशिक्षण प्राप्त करके वे गणना की कार्रवाई करेंगे। इस प्रशिक्षण में मुख्य रूप से ETPPS जो सेवा निर्वाचकों से प्राप्त मतों की गणना किस प्रकार की जानी है, डाक मतपत्र की गणना किस प्रकार की जानी है और EVM की मशीनों की गणना किस प्रकार की जानी है, ये सभी प्रकार का प्रशिक्षण, गहन प्रशिक्षण हमारे जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर हमारे सभी गणना में लगे हुए अधिकारी कर्मचारियों को दे रहे हैं।